इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया धूमा में विश्व आदिवासी दिवस। हम आपको बता दें कि जिला सिवनी के अंतर्गत आने वाले ब्लॉक लखनादौन के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र धूमा में प्रतिवर्ष अनुसार विश्व आदिवासी दिवस विशाल रैली निकालकर हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ मनाया गया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने अपना विशेष योगदान दिया। कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ कहा आदिवासी नेताओं ने सुनिए। अंतर्गत आने वाले ग्राम हरी में और यहाँ पर किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए हम जानते हैं इन किसानों से कि ये धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि हमने शासन प्रशासन को और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को मई के महीने से अवगत कराया कि हमारे क्षेत्र की नहरें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं, जगह जगह से टूटी हुई हैं, कई जगह से नहरें गायब हैं। उनकी तत्काल मरम्मत कराकर बरसात से पहले किसानों को पानी देने की व्यवस्था सुदृढ़ की है। क्या आपने उच्च स्तरीय अधिकारियों को इसकी सूचना दी है? हमने इससे पहले भी जल संसाधन विभाग के कार्यपालन मंत्री को पत्र भी लिखा है और ओरल भी बात किया है, लेकिन टेलीफोन पर भी बात हुई है, लेकिन उन्होंने इन जो हमारी किसानों की जो समस्याएं हैं इस पर उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। हमने मुख्यमंत्री महोदय को लिखा है कि महोदय अरी जलाशय से पूर्व में लगभग 40 गांव की आपसी हुआ करती थी और जिसमें 10,000 एकड़ जमीन सिंचित हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में नहरों की खस्ता हालत से 20 ग्रामों के ही किसानों को मात्र 250 एकड़ की जमीन का रकबा सिंचित होता होगा। तालाब से छोटे छोड़े जाने वाले पानी का मात्र 40% पानी हमारे किसान भाइयों को मिल पाता है, जबकि 60% पानी नाली नदी नालों में और भगड़ों में बह जाता है, जिस पर सिंचाई विभाग का कोई ध्यान नहीं। हम समस्त किसानों से की सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या नहर टूट जाने से पानी न मिलने पर फसल सूख जाने की। तो देखा आपने कैसा कि किसानों के साथ में जो एक अन्याय हो रहा है, जो नहर है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और जल संसाधन विभाग जो है इस पर मौन साधे हुए है और मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए का वो लोग हेर फेर कर चुके हैं। इसी वजह से किसानों को आज यहाँ पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। कृषि प्रधान देश में किसानों के साथ इस तरह का अन्याय आप देख सकते हैं। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।